कार्तिक मास का आज सुनाओ 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करें, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। तब उसको इस प्रकार धनपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि देवता सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठावरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हँसते हुए कहा, हे ब्रह्मा, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा, तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और धूलोक पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर जितने भी इंद्र आदि देवता हैं तुम्हारे ही ऐरावत उच्चैश्रवा घोड़ा कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न का उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए।